दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन खानों के अंदर, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो होता है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ खाने होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन फैट तो होता है, कैलोरी होता है, बट उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जीरो, बहुत कम होता है या जीरो होता है। प्लस कुछ वेरी लो कार्ब फूड जिसके अंदर कि लेस देन 5 ग्राम फूड पर 100 ग्राम होता है, तो ये सब बताएंगे। सबसे पहले जीरो कार्ब किस्म होता है, एकदम जीरो, नो कार्ब नो कैलोरी, कुछ नहीं है इसके अंदर। उसको कितना भी खाइए ना उससे शुगर बढ़ेगा, ना वेट बढ़ेगा, ना कोई और आपकी चीज़ बढ़ेगा उससे। तो सबसे पहले तो वाटर हो गया, वाटर चाहे जितनी मर्जी लीजिए आप। फिर हो गया ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी यानी बिना चीनी बिना मिल्क के, ग्रीन टी, नींबू टी, हर्बल टी, इसमें कोई कैलोरी नहीं है, कोई आपको शुगर भी नहीं है। फिर डाइट सोडा, डाइट कोक, डाइट पेप्सी, पुदीना ड्रिंक या जो साउथ में मसाला रसम मिलता है, वेजिटेबल सूप, अदर सूप, और इसमें घी मत डालो तो इसमें कोई कैलोरी नहीं होगी आपकी। हर्बल एंड मसाला ड्रिंक्स एंड चिकन सूप्स, इसमें कोई कार्ब या कोई कैलोरी नहीं होता है। जितने हमारे हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, लाइक तुलसी पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, ऑर्गेनो, पिज्जा पाउडर, हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, सौंफ, इसमें नो कैलोरी नो कार्ब, कुछ नहीं है, जितना मर्जी खाओ। सॉसेज, सोया सॉस, चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस, इसमें कोई कार्ब नहीं होता है। विनेगर, चाहे एप्पल साइडर विनेगर हो, जामुन सिरका हो, गन्ना सिरका हो, इसमें कोई कार्ब नहीं होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टीविया, शुगर फ्री सेफ होता है, लेस कोई दिक्कत नहीं है, या शुगर फ्री नेचुरल भी सेफ होता है। प्लस अंडा, अंडों के अंदर कितना भी खा लो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जितने भी नॉनवेज, चिकन, मटन, फिश, कोई समुद्री फिश, झींगा मछली कोई भी लो, इसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट जीरो होता है। फिर घी, मक्खन, सारे ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, सरसों ऑयल, ऑल ऑयल्स, इनके अंदर घी मक्खन नहीं होता है। न्यूट्रीलाइट, देन अमूल लाइट, इन सब कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसके बाद वेरी लो कार्बोहाइड्रेट फूड लेकिन उसमें कैलोरी होती है, लाइक बोला चीज़ पनीर, इनके अंदर 1.5 ग्राम कार्ब होता है पर 100 ग्राम, बहुत कम। तो चीज़ पनीर कितना खा लो उससे शुगर नहीं बढ़ेगा, घी मक्खन कितना खा लो उसे शुगर नहीं बढ़ेगा। जितने ड्राई फ्रूट थे, नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, इसके अंदर 100 ग्राम में बहुत कम कार्ब होता है, प्लस प्रोटीन फाइबर होते हैं, इससे शुगर, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 15 होता है। हमारा काजू के अंदर 100 ग्राम में करीब 26 ग्राम कार्ब होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब होता है 26 के आसपास, जबकि हमारे आटा के 100 ग्राम में 17 ग्राम कार्ब होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है। चावल के 100 ग्राम में होता है 80 ग्राम कार्ब, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 के आसपास होता है। तो काजू डायबिटीज मरीज खास, और जान लीजिए कि सिर्फ ड्राई फ्रूट से, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली से कोलेस्ट्रॉल घटता है, बढ़ता किसी नहीं है। लोग गलत धारणा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, हार्ट के लिए ड्राई फ्रूट अच्छे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं, हार्ट बचाते हैं, डायबिटीज खतरा घटाते हैं, तो सारे ड्राई फ्रूट अच्छे होते हैं। आराम से आप जितना डॉक्टर सलाह, आराम से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी तक खाते हैं और अदर कैलोरी आप कम कर लेंगे तो, पर इससे शुगर नहीं बढ़ता है। फिर होता जितने हमारे सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, चिया सीड, इससे शुगर नहीं बढ़ता है। कोकोनट, नारियल, कच्चा या पका किसी लीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में 6 ग्राम कार्ब, बहुत कम कार्ब होता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लेस देन 15 होता है, उससे शुगर नहीं बढ़ता है, बहुत ना घबरा बढ़ता है, मतलब इससे शुगर इतना बढ़ता है जितना कि आप सलाह से बढ़ता है, बहुत ज़रा सा। इसके बाद कोकोनट के पानी में एक कोकोनट में पानी में 7 ग्राम कार्ब होता है, इसलिए कोकोनट लेस दे बहुत ज़्यादा नहीं। मैं बोला कि किस पे ड्राई फ्रूट बता, देखो कितना कार्ब बता दो आप। देखो अखरोट के 100 ग्राम में 7 ग्राम कार्ब होता है, बादाम के 100 ग्राम में 9 ग्राम कार्ब होता है, पिस्ता के 100 ग्राम 9 ग्राम कार्ब होता है, मूंगफली में 6 ग्राम कार्ब होता है, बहुत कम कार्ब होता है। ये सब बताया कि मीठे में दूध में 100 ग्राम में 5 ग्राम कार्ब होता है, पर फिर भी कंपेयर टू अदर खाना दूध लिया जाता है
दूध के मलाई में 100 ग्राम में केवल 3 ग्राम कार्ब, तो ले भी ले सकते, कोई दिक्कत, डायबिटीज मना नहीं है। घी मक्खन मलाई से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ेगा, पर एक गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, हार्ट को बचाएगा, नुकसान नहीं करेगा, ले सकते हैं। फिर बात करें हम लोग सब्जियाँ, जितनी भी हमारी हरी सब्जियाँ हैं, पालक 100 ग्राम में केवल 1 ग्राम कार्ब होता है, सलाद पत्ती 100 ग्राम 2 ग्राम कार्ब होता है, मशरूम 100 ग्राम 2 ग्राम कार्ब होता है, टमाटर खीरा बंद गोभी शिमला मिर्च फूल गोभी बैंगन 100 ग्राम केवल 3 ग्राम कार्ब होता है, सारी सलाद या सब्जी जिसमें 4 ग्राम या इससे कम कार्ब होता है उसे हम समझ लो कि उसे शुगर बहुत कम बढ़ता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 15 होता है, तो आप जितना मर्जी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकली शिमला मिर्च भिंडी इन सब 100 ग्राम 4 ग्राम कार्ब होता है, कोकोनट मिल्क 100 ग्राम में 6 ग्राम कार्ब होता है, आलमंड मिल्क 100 ग्राम में 6 ग्राम कार्ब होता है एक गिलास में, तो ये सब लो कार्ब फूड है, वो जीरो कार्ब फूड है। तो जब भी भूख लगे आप अपने कार्ब कम करके ये जीरो कार्ब या लो कार्ब फूड को बढ़ाइए। दुर्भाग्य कि अपने इंडिया में हम लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, सब बोलते हैं प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा। अरे भाई अगर आपको किडनी नॉर्मल है तो इसे यूरिया कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रोटीन खाओगे यूरिया किडनी निकाल देगी। यूरिक एसिड भी प्रोटीन से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है रेड मीट के रेड मीट से बढ़ता है ज़्यादा खाने से, और रेड वाइन से बढ़ता है। वैसे शराब के अंदर भी कार्ब बहुत अल्कोहल वाइन में शराब में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बट शराब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो आई होप इसे नॉलेज मिली कि जीरो कार्ब फूड क्या होता है, लो कार्ब फूड क्या होता है, और कैसे इसको खा कर अपना डायबिटीज कंट्रोल रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।